चैनल और अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेजरमेंट्स की, मेजरमेंट्स ऑफ शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट जो है वो एक थ्रोइंग इवेंट है। ऐसे तो एथलेटिक्स में चार थ्रोइंग इवेंट होते हैं, एक शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो एंड जेवलिन थ्रो। बट आज के वीडियो में हम बात करेंगे शॉर्ट पुट के मेजरमेंट और उसके सेक्टर बनाने के तरीके के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं वेट की। जो शॉर्ट पुट है, यहाँ पर शॉर्ट पुट बोला जाता है, उसको थ्रो नहीं बोला जाता। थ्रो करने के लिए आपको अपना जो आर्म है वो शोल्डर से पीछे लेके जाना होता है, बट शॉर्ट पट के टाइम आप अपने आर्म को शोल्डर के पीछे नहीं लेके जाते हो, आप शोल्डर पे ही रख के उसको आगे पुश करते हो, इसलिए शॉर्ट पट को शॉर्ट पट बोला जाता है। शॉर्ट का मतलब एक मेटलिक स्फेयर बॉल, किसी भी मेटलिक स्फेरिकल बॉल को हम शॉर्ट बोलते हैं। सो दोनों मिलके बन जाते हैं शॉर्ट पट। मेन और वीमेन के लिए यूज होने वाले शॉर्ट का जो वेट है वो दोनों में ही अलग अलग होता है। विमेन में ये वेट 4 kg होता है और मेन में ये 7.26 kg होता है। बात करें शॉर्ट के डायमीटर की, क्योंकि शॉर्ट एक स्फेरिकल बॉल है तो उसका डायमीटर भी होता होगा। विमेन के लिए जिसका डायमीटर है इट इज 95 to 110 mm और मेन के लिए दिस इज 110 to 130 mm। बात करें सेक्टर एंगल की तो वो दोनों के लिए सेम रहता है, दैट इज 34.92 degree। सेक्टर डायमीटर इज सेम फॉर बोथ, दैट इज 2.135 meter एंड द रेडियस इज 1.067 meter। तो ये है इसकी बेसिक मेजरमेंट जो कि एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, स्पेशली इसका रेडियस कितना होता है, इसका डायमीटर कितना होता है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द वेट ऑफ शॉर्ट दैट इज यूज्ड फॉर मेन एंड वीमेन। बात करें इसके सेक्टर बनाने के तरीके के बारे में तो सबसे पहले हम इसको सेमी सर्कल में डिवाइड कर लेते हैं, यानी हम इसका डायमीटर ड्रॉ करते हैं, देन वी फाइंड द रेडियस एंड द सेंटर। इसका रेडियस जो है दैट इज 1.067 meter। उसके बाद सेंटर के दोनों साइड हम 4 meter लाइन बना देते हैं, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। फिर 4 meter लाइन का जो एंड पॉइंट है वहां से हम 5 meter की डिस्टेंस पे यहाँ और 5 meter की डिस्टेंस पे यहाँ दोनों साइड ही एक वर्टेक्स ढूंढ लेते हैं जो कि सेंटर के सामने होता है। अब हम इस वर्टेक्स को सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 meter हो जाता है जस्ट बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये एक तरह से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है। हम इस लाइन को और एक्सटेंड कर देते हैं, दैट इज अप टू 19.079 meter। ये जो लाइन है सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 19.079 meter। अब यहाँ से इधर भी 6 meter और इधर भी 6 meter की एक लाइन बना देते हैं और फिर यहाँ जो ये एंड पॉइंट है इसको हम मिला देते हैं सेंटर से और इस तरह यहाँ पर 34.92 degree का एक एंगल तैयार हो जाता है। सेंटर के दोनों साइड 4 meter राइट साइड 4 meter लेफ्ट साइड एक लाइन बनाते हैं, फिर यहाँ से भी 5 meter और यहाँ से 5 meter के यहाँ पर हम एक वर्टेक्स या फिर एक डॉट फाइंड कर लेते हैं जो कि सेंटर से मिलाने पर 3 meter होता है। फिर जो लाइन हमने सेंटर से मिलाई है जो कि 3 meter उसको हम एक्सटेंड करते हैं सेंटर से लेके उस पॉइंट तक जो कि वहां से 19.079 meter दूर होता है। उसके बाद हम इस पॉइंट से इधर और इधर 6 meter की लाइन बनाते हैं जो कि यहाँ पर परपेंडिकुलर होती है। फिर उस लाइन के एंड को हम ज्वाइन करते हैं सेंटर से और फिर बन जाता है हमारा ये सेक्टर का एंगल 34.92 degree का। उसके बाद हम यहाँ पे 3 arc बनाते हैं। जो पहला आर्क है वो 6 meter की डिस्टेंस पे होता है, ये 6 meter जो है वो सेंटर से है, जो दूसरा आर्क है वो 9 meter की डिस्टेंस पे होता है और जो तीसरा है वो होता है 12 मीटर की डिस्टेंस पे। अगर हम सेंटर से इस पॉइंट तक के डिस्टेंस की बात करें तो ये होता है 20 मीटर, यानी शॉर्ट पट में जो सेक्टर बनाया जाता है वो 20 मीटर के आर्क पे बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं स्टॉपिंग बोर्ड की। स्टॉपिंग बोर्ड होता किस लिए, जैसा कि इसका नाम ही है स्टॉपिंग बोर्ड तो वो स्टॉप करने के लिए ही होता है, जो कि सेक्टर के आगे इसलिए लगाया जाता है सो दैट एथलीट जो है वो क्रॉस करने से बचे। अगर हम स्टॉपिंग बोर्ड के डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पर स्टॉपिंग बोर्ड लगाया जाता है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 0.641 meter। स्टॉपिंग बोर्ड की जो लंबाई होती है वो 1.22 meter होती है, 1.21 से 1.22 meter
इसको याद रखना इसलिए भी इजी है क्योंकि एथलेटिक में यूज होने वाले ट्रैक की जो विड्थ होती है वो भी 1.22 मीटर होती है, और यहाँ जो स्टॉपिंग बोर्ड यूज होता है उसकी भी जो लंबाई है वो 1.21 से 1.22 मीटर होती है। स्टॉपिंग बोर्ड की हाइट की बात करें तो वो यहाँ से 10 सेंटीमीटर हाई होता है। स्टॉपिंग बोर्ड की अगर हाइट की बात करें तो वो 10 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। उसकी लंबाई की बात करें तो 1.21 से 1.22 होती है। इसकी साइड विड्थ की बात करें तो वो 30 सेंटीमीटर होती है, और जो सेंटर में इसकी विड्थ होती है वो होती है 11.2 सेंटीमीटर। सो ये थे शॉर्टपट की और उसके सेक्टर के सारे मेजरमेंट। जो वेट है वो मेन के लिए 7.260 kg, वुमेन के लिए 4 kg। अगर बात करें उनके डायमीटर की तो मेन का है 110 से 130 mm और विमेन का जो है वो 95 से 110 mm है। जो इसका सेक्टर है उसका एंगल होता है 34.92 डिग्री, रेडियस हो जाएगा 1.067 मीटर। बात करें स्टॉपिंग बोर्ड की तो स्टॉपिंग बोर्ड की जो लंबाई है दैट इज 1.212 मीटर। उसकी जो हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर और जो उसकी विड्थ बीच में होती है दैट इज 11.2 मीटर। साइड में जो उसकी विड्थ है वो है 30 सेंटीमीटर। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे अगले थ्रोइंग इवेंट की। टिल दैट डू फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड कीप वॉचिंग टू माई चैनल एंड